अभी तक बतलाएं, रघुवर दास का भ्रष्टाचार हजारों करोड़ अरबों रुपए में था, रघुवर भट्ट का, सरयू राय ने आवाज उठाया था, लेकिन आज तक रघुवर दास गवर्नर बने हुए, हेमंत सोरेन की हिम्मत नहीं है कि उस पर एक एफआईआर कर सके, जांच करा सके। आप किस तरह की बात करते हैं? आप एक सिंबॉलिक किसी मुसलमान को मंत्री बना दीजिएगा तो मंत्री हो जाइएगा। मुझे इंसाफ चाहिए, बतलाए कि माइनॉरिटी बजट कितना है, मदरसा बोर्ड के जो मदारिस हैं उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उसमें कंप्यूटर कितना लगा, उसको ग्रांट कितना मिला, उसको उलेमाओं को हमारे जो मदरसा के जो टीचर है उनको तनख्वाह क्यों नहीं टाइम पे मिल रही है, मुस्लिम ऑफिसर डीएमएसपी कितना है बतलाएं, कितना डिप्टी कलेक्टर मुस्लिम को पोस्टिंग आपने फील्ड में दिया, जो आपको पहुंचाएगा चढ़ावा उसी की पोस्टिंग होगी। इंसाफ मांगेगा झारखंड का मुसलमान, डरने वाला नहीं है। झारखंड के मुसलमानों ने आजादी में कुर्बानी दी है, यहाँ के लोगों में वो जज्बा है, यहाँ के लोगों ने झारखंड को बनाने में जान दिया है और देश को आजाद कराने में भी जान दिया है। अगर आप बिरसा मुंडा को मानते हैं तो झारखंड के मुसलमान भी हम इस इलाके बिरसा मुंडा की इज्जत करते हैं, उनके लिए उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उन्होंने इस तहरीक में आजादी की तहरीक में साथ दिया था। इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ बिरसा मुंडा जी का फोटो लगाने से हेमंत सोरेन जी आपको चीफ मिनिस्टर हम नहीं बनाएंगे। बिरसा मुंडा के कॉल पर उनका जो कहतनी था, उन्होंने जो इंसाफ की बात की, उसका भी आपको इंसाफ करना पड़ेगा। आपको लोग के बीच जाना पड़ेगा। एसी में बैठकर चंपई सोरेन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर भाभी चीफ मिनिस्टर बनेगी, और यहाँ की जो इतना परसेंट मुसलमानों की आबादी है वो उसको क्या मिलेगा, दलितों को क्या मिलेगा, आदिवासियों को क्या मिलेगा? सिर्फ हेमंत सोरेन ट्राइबल कम्युनिटी के आइडेंटिटी नहीं है, हेमंत सोरेन एक शिबू सोरेन जैसी शख्सियत के घर में पैदा हो गए इसलिए उस जगह पे पहुंच गए, वरना डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर कंपाउंडर की नौकरी भी दिक्कत हो जाती है। ये आवाम की ताकत है। मेरे गढ़वा की आवाम से मुद्दबाना गुजारिश है कि जिस डॉक्टर साहब ने 5 साल आपके बीच रहे, आपके सुख दुख में रहे, आपके लिए खड़े रहे, जिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके लिए आवाज़ उठाई, आज दारुसलाम मेरा हेडक्वार्टर है, चाहे माथे पे टीका हो, सिर पे पगड़ी हो, क्रॉस हो, या एथिस्ट हो, हर का इस्तकबाल है, वही MIM की पहचान। 2019 में जब विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, जहां AIM की पार्टी का जो उम्मीदवार है वो सीट हारे और वहां पर BJP को उम्मीदवार गढ़वा छोड़ के, लेकिन लोग जो हैं तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हैं, BTIM देते हैं, तो आपके द्वारा BTIM का क्या जवाब है? तो यहाँ के जो लोग हैं BTIM का तो जवाब दे, लेकिन आपके द्वारा क्या इसका क्या BTIM है? और जहाँ आपकी पार्टी लड़ रही है कहीं ना कहीं BJP को फायदा वहाँ पर हो रहा है, एक जगह नहीं फायदा हो रहा है। हम किशनगंज लड़े वहाँ कांग्रेस जीत गई। एक जगह बता दीजिए जो मेरे वोट के अंतर से BJP जीती हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ। ये सिर्फ कांग्रेस का झूठा, कांग्रेस मुस्लिम लीडरशिप नहीं देखना चाहता जी। कांग्रेस को, कांग्रेस के पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में 29 प्रदेश अध्यक्ष है, बतला दीजिए एक भी मुसलमान है, बतलाइए। CWC में चेक कीजिए कितना मुसलमान है, जनरल सेक्रेटरी कितना मुसलमान, प्रियंका वाड्रा बन सकती है जनरल सेक्रेटरी, लेकिन कोई मुसलमान जनरल सेक्रेटरी नहीं बन सकता, इनको दिक्कत है जी। भाई डिसीजन मेकिंग बॉडी में रखो ना मेरे, जब हाईएस्ट बॉडी में रखो ना, लेकिन आप उसमें नहीं रखोगे। आप चाहते हो 75 साल से मुसलमान आपकी गुलामी करे, हम क्यों राहुल गांधी की गुलामी करेंगे, हम क्यों प्रियंका गांधी की गुलामी करेंगे? हम अपने हक की आवाज उठाएंगे। हम बतलाए कोई माइकल लाल सिद्ध करे कि हम BTIM है। अरे पूरी दुनिया जानती है कि कल मोदी के साथ चाय पिए राहुल गांधी, लेकिन पूरे आंख से आंख पार्लियामेंट में अगर अमित शाह और मोदी के खिलाफ कोई बोलता है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अपने जान पर जोखिम ला के 6 गोली उत्तर प्रदेश में चली, लेकिन दूसरे दिन फिर से उत्तर प्रदेश की आवाम के बीच रहा, वहां के मुसलमानों के मजलूमों की आवाज उठाए, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो उस लीडर के साथ है, मैं बिहार की नहीं, झारखंड ही नहीं, गढ़वा ही नहीं, पलामू ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुद्दबाना अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी लीडरशिप को पहचानिए। आज सन ऑफ मल्ला अपनी लीडरशिप कर रहा है, सन ऑफ पासवान कर रहा है, सन ऑफ माझी कर रहा है, सन ऑफ यादव कर रहा है, तो आप भी अपने लीडरशिप को खड़ा कीजिए। आप भी एक मजदूमों और बेबसों की आवाज़, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जज्बात, एहसास, उनके जद्दोजहद को समझिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदा को मजबूत कीजिए। 24 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या तैयारी है झारखंड में और कितने सीट? झारखंड में मेरे प्रदेश अध्यक्ष शाकिर साहब हैं, मौलाना मोबीन साहब हैं, कामरान साहब हैं, डॉक्टर एम एन खान साहब हैं, भगत जी हैं, और चंद्रकार जी हैं, और दूसरे लोग अमीन भाई हैं, सब लोग मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह दानिश साहब है, सब लोग कर रहे हैं। तो झारखंड एक टीम है, गुलदस्ता है, उस टीम के जो जिसको पलामू का मिला हुआ इंचार्ज, किसी को संथाल परगना का मिला है, किसी को रांची का मिला है, सब अपने अपने एरिया में कर रहे हैं, लेकिन पलामू में गढ़वा में मजबूती से डॉक्टर खान साहब काम कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो बैरिस्टर असदुद्दीन
सिंह ओवैसी साहब क्या रिकमेंडेशन रहा, तो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और पूरे ताकत से लड़ेंगे और यहाँ के दलितों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के, मजलूमों की आवाज़ बनेंगे। और अल्लाह ने चाहे 81 विधानसभा इस पूरे झारखंड में, उसमें अगर सबसे नंबर वन रहेगा तो गढ़वा रहेगा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्यादत में डॉक्टर खान साहब रहेंगे इंशाल्लाह।